नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर हरदोई से। यूपी के हरदोई जिले में आज किसान आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक दल सुबह सपा के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी सहित तमाम नेताओं को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में रखा है। राजनीतिक दल के नेताओं ने पुलिस पर तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कृषि अध्यादेश के विरोध में राजनीतिक दल ने विरोध प्रदर्शन के दौरान आज सुबह सपा के नेताओं ने कलेक्टर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी के नेतृत्व में सुबह सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन में रखा गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल किसान आंदोलन को समर्थन देने के बाद सभी विरोधी पार्टी के नेताओं ने जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। लिहाजा चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को लगाया गया था और प्रदर्शनकारियों से निपटने की तैयारी की गई थी। हालांकि इस बारे में प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। आज हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल के लिए आए हुए थे जिला हरदोई कलेक्ट्रेट में, मगर प्रशासन की तानाशाही रवैये के कारण हम लोगों को वहां पर बैठने की अनुमति नहीं दी। आज हम लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन की जेल में लाया गया है। यहां पर हम लोग इस काले कानून वापस कराने के लिए धरना प्रदर्शन जारी किए हुए हैं। जब तक इस काले कानून को सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग किसान आंदोलन के साथ में पूरी तरीके से लगे रहेंगे। चाहे जितने दिन भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।